हेलो गाइज, वॉर्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माई चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग जो हम करेंगे उसका टॉपिक ये होगा कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अगर अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में हैं, आपकी बात नहीं हो रही है किसी भी रीज़न से, तो आपके पर्सन इस वक्त में क्या फील कर रहे हैं आपके लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, उनके मन में क्या चल रहा है, वो सारी ही चीज़ें हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। सो जुड़े रहिए अंत तक। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है, आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। और अगर चाहते हैं ऐसी रीडिंग्स आप और देखें तो बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूँ उसका लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास आ जाए। ठीक है गाइज, इस वक्त आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए? ओके, टू कार्ड्स, पेज ऑफ कॉइन्स, ओके ओके ओके, ब्यूटीफुल, टू ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर तो सबसे पहले बहुत सारी स्टॉकिंग, आपको स्टॉक कर रहे हैं आपके पर्सन, आप पे स्पाई कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं दूर से। ये मत सोचिएगा कि आपके पर्सन का ध्यान नहीं है आपके ऊपर, वो पूरे तरीके से आपको देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि क्या आप भी उनको उतना मिस कर रहे हैं जितना कि वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या आप भी उनको उतना ही चाहते हैं जितना वो आपको चाहते हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं और कब, हो सकता है आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे हो वो, तो बार बार आकर उधर देखना है, कोई फेक आईडी से मे बी आपको फॉलो कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको व्हाट्सएप के ऊपर देख रहे हो, अगर आप उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो बार बार ये चेक कर रहे हो कि ब्लॉक किया है या अभी भी अनब्लॉक कर दिया है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। बेसिकली इंक्यूजिटिव है, जानने के लिए क्यूरियस है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सबसे पहली चीज ये है। और अब ये पर्सन को आपकी अहमियत पता चल रही है, ये पहले जो आपको कदर नहीं करते थे ये बात मेरे को बिल्कुल दिख रही है, इन्होंने कदर नहीं किया है आपके रिलेशनशिप में आपकी, और बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको समझा नहीं और वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया। बट अब ये पर्सन जैसे आपके ऊपर इनका पूरा का पूरा ध्यान है, तो अब ये आपको खोना नहीं चाहते हैं ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। टू ऑफ सोल्स का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है बहुत ही ज़्यादा परेशान, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है ये पर्सन आपके बगैर, इनको समझ नहीं आ रहा है ये अब क्या करें, ये आपको खो चुके हैं या अभी भी कोई होप है आपको पाने की, कैसे आपके पास आए, हो सकता है इन्होंने बहुत सारा झूठ भी बोला हो आपको और शायद वो झूठ पकड़ा गया हो, तो अब इनको रास्ता नहीं दिख रहा है किस तरीके से आपके पास आएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे आपको मनाएंगे, कैसे कुछ बोलेंगे। तो इन सब चीज़ों को सोचकर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के पास ना चले जाओ, इनको छोड़कर बहुत ही परेशानी में मुझे दिख रहे हैं। और अब ये जो भी बात है सच्चाई से आपको बोल देना चाहते हैं, आपको बता देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं जो भी इनकी गलती थी, जैसे भी ये प्रॉब्लम में थे वो सारी चीज़ें आपको बताना चाहेंगे ये पर्सन। ठीक है कि ये मैंने उस टाइम पे ऐसा किया, ये झूठ बोला, ये सच था, ये तुम्हें मैं ये मानता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, सारी ही बातें आपके साथ ये शेयर करेंगे और बहुत ही ज़्यादा परेशान मुझे पर्सन दिख रहे हैं, सैड दिख रहे हैं और जैसे ना बीच में अटक गए हैं, समझ नहीं आ रहा इस साइड जाऊँ या उस साइड जाऊँ, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं और डर भी लग रहा है, तड़प भी रहे हैं क्योंकि ऐसा हो रहा है कि ना बात हो पा रही है, ना छोड़ पा रहे हैं, ना साथ रह पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी में ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ रिकनसिलिएशन करने के बारे में सोच रहे हैं और आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कॉफ़ी आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, मे बी कॉफ़ी चाय आपके साथ ये स्पेशल डेट पे जाना चाहते हो या फिर आपको ना मिलना चाहते हो, सकता है अपने फ्रेंड को किसी को ये अप्रोच करने हैं जो कि आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो जिसके थ्रू आप मिल सकें, आप बात कर सकें, आपको कॉन्टैक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आपके साथ बेसिकली दिस पर्सन वॉन्ट्स टू इन्जॉय विद यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद यू, ये सब ये करना चाहते हैं, थोड़ी लाइट एनर्जी लेकर आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर एंड अपनी गलती का अपोलोजाइज भी करना चाहते हैं ये। हो सकता है इस पर्सन, इस आपके रिलेशनशिप जो उनके साथ था, थर्ड पार्टी का कोई एंगल ज़रूर होगा यहाँ पे जिसके कारण से प्रॉब्लम्स आए हैं। एंड यहाँ पे मैं नाइट ऑफ कप्स देख रही हूँ जो मुझे बता रहा है अब ये पर्सन से रुका नहीं जा रहा है। पहले इस पर्सन ने बहुत ही सोचा, इस रिश्ते की अहमियत इनको पता चली है, इन्होंने जो कदर नहीं करी, इन्होंने कहाँ पर अपनी गलतियाँ करी, वो सब चीज़ें इन्हें समझ में आई हैं और अब ये उस रियलाइजेशन के बाद इतना तड़प रहे हैं कि इन्होंने कितना बड़ा गलत डिसीजन ले लिया है। जैसे इनको ये माफ़ी मांगना चाहते हो आपसे, आपको सॉरी
बोलना चाहते हैं, वो अपनी गलतियों के बारे में बताना चाहते हैं जो उन्होंने किया है, और साथ ही साथ यहाँ पे रिकंसिलिएशन भी मुझे दिख रहा है। और ये सब होने के बाद ये पर्सन आपके पास प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं, आपको अपने दिल से, पूरा दिल से जैसे ये सॉरी बोलकर आपको प्रपोज कर आपको अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। इनको पता नहीं है कि आप साथ में आओगे नहीं आओगे, बट ये पर्सन 100% जो है अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट हैं, और जो भी इन्होंने गलतियां की इसके बारे में सॉरी बोलना चाहेंगे। तो कॉन्फिडेंस है इस पर्सन में कि अभी आपको पार कर ही रहेंगे, और इनको पता है हमारे प्यार की जीत ही होगी। तो ये आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, कोई प्रपोजल लेकर आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। विक्ट्री मुझे दिख रही है, और अपनी इंट्यूशन का कहीं ना कहीं इनको इंट्यूशन पे विश्वास है, कि जो इनकी इंट्यूशन कह रही है कि अभी भी आप इनसे मूव ऑन नहीं हुए हो, अभी भी कोई लास्ट होप है जो कि आप दोनों को साथ जोड़ सकती है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। थोड़ा स्टक है, इमोशनली हैवी फील करते हैं, कभी कभी अटक जाते हैं, और यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड्स भी हमको ये बता रहा है, बहुत लोगों ने इनके साथ गलत किया है कुछ पुराने 10 दिनों से, इनको बहुत आपकी याद आ रही है, सैड हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, और अकेलापन फील कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों ऐसा हो गया कि हम दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम आ गई है, पिछले 10 दिन या 10 घंटों से बहुत ज़्यादा सैड हैं ये, और अब ये आपको पा कर ही रहेंगे, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। कुछ डिसीजन ये पर्सन लेंगे, और मुझे आप लोगों का मिलना भी दिख रहा है, रीयूनियन होता हुआ भी दिख रहा है, मिलना भी दिख रहा है, कोई पार्टनरशिप मुझे दिख रही है। एंड ये पर्सन के पास एक बहुत सॉलिड चॉइस है जिसके कारण से डिसीजन नहीं ले पा रहे, हो सकता है वो काम हो, फैमिली हो, या कोई और थर्ड पार्टी का एंगल हो, तो वो आप देखिए आपके केस में क्या है। तो यहाँ पर कोई ऐसी चॉइस, इनको ऐसा कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है जिसमें से एक को छोड़ेंगे और दूसरे को पकड़ेंगे। यहाँ पर क्लैरिटी मुझे होती हुई दिख रही है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है डिसीजन डेफिनेटली मेच्योर लेंगे, क्लैरिटी इनको आएगी, वही क्लैरिटी आपको भी देंगे। तो रिलेशनशिप में क्लैरिटी तो आने ही वाली है, क्योंकि इनका भी विजन क्लियर हो रहा है, और उनके विजन क्लियर होने से आपका भी विजन क्लियर होगा, आपको भी रास्ता दिखेगा कि अब आपको ये करना है या आपको नहीं करना है, अब आपको आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। एंड यहाँ पे क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अब पैशनेट है आपको लेकर, आपको बहुत याद करते हैं, एडमायर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ वॉन्स है, तो पसंद बहुत करते हैं आपको, और आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो उनको बहुत खूब लगती हैं, बहुत ही स्पेशल लगती हैं। और इनको ऐसा लगता है कि ये ना ऐसा भी लगता है इनको कि आप अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, शायद आपको अब इनकी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, हो सकता है इन्होंने किसी से सुना भी हो कि आप किसी और के साथ जो है अब आगे अपनी लाइफ देख रहे हो, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, तो उसी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट भी है ये पर्सन। तो आपसे भी काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी चाहते हैं, और आपको काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी देना भी चाहते हैं। सबसे पहले ये कोशिश यही करेंगे कि आपसे जाने आपके मन में क्या चल रहा है, बट आपका भी ये एनर्जी है कि मैं इनसे जानूं उनके मन में क्या चल रहा है, ये क्या चाहते हैं, तो इसलिए चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो रही हैं, क्योंकि एक्शन थोड़ा सा वीक दिख रहा है। बट ये पर्सन आपको बहुत ही मिस कर रहे हैं, बहुत ही प्यार है, और मिलने के बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं, जैसे एक बार ये मिलना चाहते हैं, ऐसे मुझे दिख रहा है कि जैसे मिलने के बारे में बहुत सोच रहे हैं, बट इनको लग रहा है कि अपनी लाइफ में आप बहुत मज़े से जी रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब दूसरे डेक से भी देख लेते हैं कि और क्या ये पर्सन फील कर रहे हैं। 3 कार्ड लूंगी इस डेक से मैं। थैंक यू। नो कॉन्टैक्ट में इनकी फीलिंग्स में आया फॉरगिवनेस। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इनकी बहुत सारी गलतियां हैं, जो कि जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, सॉरी बोलना चाह रहे हैं, और चाहते हैं आप उनको माफ़ कर दें। और इनको ऐसा लग रहा है कि जो ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ इन्हीं की गलती, हाँ 70-80% इनकी गलती है, उनको लगता है 20-30% आपकी भी गलती है, तो आप भी इनको माफ़ कर दीजिए इनकी गलतियों के लिए, और ये भी आपको माफ़ कर दें आपकी गलतियों के लिए, ये बेसिकली चाहते हैं। तो बेसिकली ये क्या चाहते हैं कि चीज़ें जो भी हुई है ना पास्ट में, उससे हमें आगे बढ़ना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस करके, एक दूसरे को क्लैरिटी दे के, एक दूसरे से माफ़ी मांग कर हम आगे बढ़ें, उस चीज़ में स्टक ना रहें। और इनको एंजल्स भी, गॉड भी यही इनके अंदर जो है ना इंस्टॉल कर रहे हैं कि जैसे जिसकी जो गलती है उससे आगे बढ़ो, क्योंकि आप दोनों का गुजारा एक दूसरे के बिना नहीं है, राइट? तो क्यों उस प्रॉब्लम में फंसे रहना, और उस चीज की वजह से अपने आप को भी प्रॉब्लम दे रहे हो, सामने वाले को भी प्रॉब्लम दे रहे हो, नो यूज ऑफ दैट, राइट? तो ये पर्सन फॉरगिवनेस में बिलीव कर रहे हैं, आपको भी माफ करेंगे और खुद को भी माफ करेंगे, और ये चाहेंगे आप भी इनको माफ कर दें, ये इनकी एनर्जी मुझे दिख रही है। इनर पीस, तो शांति चाहते हैं ये पर्सन, एंड
बेसिकली इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप इनकी लाइफ में हो तो इनको शांति भी मिलती है, इनको सुकून मिलता है, एंड आप इतना, आप जो भी हो इनके लिए सब कुछ हो. यू आर बेसिकली इनाफ फॉर दिस पर्सन, एंड इनके अलावा, आपके अलावा इनको कोई नहीं चाहिए है. आप ही इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो, आप इनके चांद हो, सितारे हो, पूरा का पूरा गैलेक्सी हो, पूरा का पूरा दुनिया जहान हो इनके लिए. और जब आप आ जाते हो इनकी लाइफ में, सब कुछ आ जाता है, इनर पीस आ जाता है जो कि इनको बहुत खुशी देता है, और उससे ज़्यादा इनको कुछ नहीं चाहिए. तो आप हो तो सुकून है, और आपसे बात करके ही इनको सुकून मिलता है. वर्दीनेस, मैंने आपको बोला कि इस पर्सन को आपकी अहमियत पता चल रही है, आपकी वैल्यू कर रहे हैं ये पर्सन अब, और आप कितने स्पेशल हो उसके बारे में ये पर्सन जो है इनको रियलाइज़ हो रहा है. और मुझे लग रहा है कि आपको भी अपनी अपनी वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ पे बहुत लोग नहीं करते हैं. उनको ऐसा लगता है कि मैं तो बिल्कुल भी स्पेशल नहीं हूँ, मेरे में क्या स्पेशल है. ठीक है, वही इंसान सब कुछ है, उसी को ही सब कुछ बना रखा है बस. और आप तो बिल्कुल ऐसे साइड पे अपने आप को रखा हुआ है कि आप तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते, जबकि ये बहुत गलत है. अपने आप को, अपनी वर्दीनेस को पहचानना है, आप कितने वर्दी हैं, वैल्यूएबल हैं, स्पेशल हैं, उसको जानने के लिए कहा जा रहा है, उसको पहचानने के लिए कहा जा रहा है. प्लीज़ आप इस चीज़ पर बहुत ध्यान दें. चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. In your smile, I see something more beautiful than the stars. तो आपकी smile इनको बहुत अच्छी लगती है. मैंने आपको बोला कि ये person आपको बहुत ही पसंद करते हैं, बहुत admire करते हैं. आपकी beauty, आपकी looks, आपकी qualities, attributes इनको इतनी special लगते हैं, और आपकी smile इनको बहुत special लगती है. तो उसी के बारे में ये बोल रहे हैं, I see something more beautiful. In your smile, I see something more beautiful than the stars. तो बहुत अच्छी स्माइल इनको आपकी लगती है, और आप हंसते रहें यही ये चाहते हैं, आपकी खुशी से ये खुश होते हैं. You are my favorite, hello, and you will be my hardest goodbye. तो जब आप होते हैं इनकी लाइफ में, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, बट आप जब जाते हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है इनका आपके बगैर रहना. Please talk to me nicely the next time we talk. जब भी हम अगली बार बात करें, प्लीज़ मुझसे अच्छे से बात करिएगा, प्लीज़. ये ऐसा आपको बोलना चाह रहे हैं. अगला मैसेज है हमारे पास, यू आर नॉट माई फर्स्ट लव बट आई टेंड टू मेक यू माई लास्ट. तो मेरा पहला प्यार तो नहीं हो, पर हो सकता है पेरेंट के रिलेशनशिप्स रहे हों, पर तुम आखिरी ज़रूर बनोगी. आई डेंट फाइंड यू, इट वॉज डेस्टिन्ड. तो मैं तुम्हें ढूंढा नहीं है, ये होना ही है था, तो मेरी डेस्टिनी में ही थी. Our love is real and we'll find a way. हमारा प्यार बहुत सच्चा है, तो ज़रूर हमको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, हम साथ होंगे. There can be delays, but there will never be an end. डिले ज़रूर हो रहा है, मुश्किलें ज़रूर आ रही हैं, प्रॉब्लम ज़रूर हो रही है, और चीज़ें थोड़ी लेट हो रही हैं, पर ये एंड नहीं है, हम मिलकर ही रहेंगे. एंड द लास्ट मैसेज फ्रॉम दिस डेक इज़, इट वुड बी अ प्रिविलेज टू गेट माई हार्ट ब्रोकन बाई यू. अगर तुम मेरा दिल तोड़ो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई और इनके साथ मैस नहीं कर सकता. अगर आप फिर भी कुछ बोलो, ये 10 चीज़ें माफ़ कर सकते हैं, बट कोई और करे तो इनको बहुत प्रॉब्लम होती है. चलिए और देख लेते हैं और क्या हमको मैसेजेस आ रहे हैं आपके इस पर्सन के लिए, क्या इनकी करंट फीलिंग्स हैं. थॉट, तो आप ही के बारे में ये पर्सन सोचे जा रहे हैं, इनके माइंड में आप ही चल रहे हो, आपको लेकर ये बहुत परेशान हैं, सैड हैं. सुबह उठते हैं तो आपका ख्याल, रात को सोते हैं तो आपका ख्याल, तो आप ही के बारे में ही ये पर्सन सोच रहे हैं. और अब ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसे हर चीज़ को ना इवैल्यूएट कर रहे हैं कि क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, कब अप्रोच करूं, क्या सही टाइम रहेगा, क्या बोलना है, वो सारी ही बातें ये पर्सन के माइंड में चल रही हैं. जॉयफुलनेस, तो यहाँ पर मीटिंग, हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है, और इनको ऐसा लग रहा है जब हम साथ में होते थे तो कितना खुशी का समय होता था, हम इन्जॉय करते थे, साथ में रहते थे, कितनी खुशी होती थी, राइट. तो बेसिकली यही सोच रहे हैं कि आपको कैसे ये पर्सन वापस अप्रोच करें, एंड कैसे आपसे मीटिंग के लिए ये पर्सन प्लान करें. ओके, थर्ड मैसेजेस, कॉन्सोलेशन. तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो भी आपने इतने समय से इनके लिए एफर्ट्स डाले हैं, सब कुछ किया है, उसका रिवॉर्ड जैसे आपको मिलने वाला है, कोई हेल्प आपको मिल सकती है. ओके,
एंड यहाँ पर है हॉटीनेस, तो हो सकता है इस पर्सन में प्राउड हो, जो कि मुझे यहाँ पर पहले भी दिख रहा था कि इस पर्सन में थोड़ा सा प्राउड हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन कुछ कुछ चीज़ों को लेकर ना एडमेंट भी हो जाते हैं। हो सकता है थोड़ा सा हैंडसम हो, या पैसा हो, या फिर किसी भी चीज़ का इनको अपने हिसाब से प्राउड हो सकता है। थोड़ा एटीट्यूड इनका डिफरेंट है, ओके, थोड़ा बॉसी नेचर है, तो थोड़ा उस कारण से आप दोनों के बीच में खटपट जो है होती होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है इनको ये प्रॉब्लम हो कि आप में एटीट्यूड है या आप बातों को समझते नहीं हो। और लास्ट है लॉर्ड, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि चीज़ें डेफिनेटली अच्छी होंगी। थोड़ा सा इनकी आदत है बॉस आउट करने की और चीज़ों को ऐसा दिखाने की कि मैं हूँ, मेरी ही समझो, आई एम द बॉस, किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। हर कोई मेरे सामने झुके, हर कोई मुझे जो है ना समझे, मेरे पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखे, ऐसी इनकी थोड़ी सी नेचर हो सकती है। रीयूनियन, तो यहाँ पे रीयूनियन का कार्ड आया है जो हमको ये बता रहा है डेफिनेटली रीयूनाइट करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, और फिर चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। एक बार ये रीयूनियन हो जाएगा तो सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। यही आपके लिए मैसेजेस आए हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ लाइक करके जाएगा अगर रीडिंग पसंद आई है। मेरे दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर भी इस तरीके की वीडियोज़ मैं पोस्ट करती हूँ, और भी मैंने पोस्ट किया वहाँ जाके देख सकते हैं, एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। आप इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की कोई रेमेडी चाहते हैं, हीलिंग्स करवाना चाहते हैं, लव हीलिंग्स, मैरिज हीलिंग्स, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है करियर के लिए, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे हम चीज़ें अच्छी कर सकें, और साथ के साथ अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रखिए अपना बहुत ख्याल, मिलती हूँ अगली रीडिंग में, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपका जल्द से जल्द रीयूनियन हो, आप रीयूनाइट हो अपने पर्सन के साथ, और खुशी खुशी आप उनके साथ वक्त बिताएं, लाइफ अपनी अच्छी रखें उनके साथ, यही मैं चाहती हूँ। बाय।